हेलो फ्रेंड्स, टाइटल पढ़ के थंबनेल लेके इस वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे द न्यूली लॉन्च बोट रॉकर 560 के बारे में, जो एक मजेदार एंड कूल हेडफोन है। मैं हूं सुमन, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। बिना किसी बकवास के लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। ये है बोट रॉकर 560 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। डिजाइन से बात शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको प्लास्टिक का एयर कप्स मिलती है, बट प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैं बोट यूजर होके बता रहा हूँ। एंड आपको एयर कप्स के ऊपर ही जो उसका बटन रहता है, वो बटन सब एयर कप्स के ऊपर ही मिलेगा। अगर हेडबैंड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हेडबैंड भी प्लास्टिक की मिलता है। एंड हेडबैंड के ऊपर जो बोट का स्लोगन है, वो ब्रांडिंग देखने को मिलता है, प्लग इन टू निर्वाणा। नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कुशन को, एंड बहुत सॉफ्ट कुशन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। इसको कंपनी बोल रहा है एडेप्टेबल एंड प्लस कुशन। कुशन आपको यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, एंड आपको हेडबैंड भी कुशन देखने को मिल रहा है, एंड ये कुशन भी बहुत सॉफ्ट एंड अच्छी है। ये हेडफोन अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, कंपनी इस डिजाइन को बोल रहा है अर्गोनॉमिकली डिजाइंड। एंड और एक बात, ये हेडफोन एडजस्टेबल है, यानी कि आपके हेड एंड कान के साइज के मुताबिक आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। एंड ये हेडफोन का ईयर कप्स फोल्डेबल है, तो आप एक बैग में इजी टू कैरी कर सकते हैं। इसके बाद फिटिंग की बात करें तो ये हेडफोन आपको ओवर द ईयर मिल रहा है। ओवर द ईयर का मतलब होता है जो ईयर कुशन है उसके मिडिल पे जो गैप है, जब कान घुसता है, ये हेडफोन पूरे कान को कवर कर देगा, यानी कि उस गैप में आपको पूरा कान घुस जाएगा। इसका मतलब इस हेडफोन को आप लॉन्ग टाइम तक यूज भी कर सकते हो, एंड इसका फिटिंग भी बहुत अच्छी है। आप आते हैं हेडफोन का मेन पॉइंट, सब हेडफोन का मेन पॉइंट है तो वो है साउंड एंड बेस। यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी एंड बेस भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 40 mm का एक डायनेमिक डाइवर्स मिल रहा है। बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छे बेस मिलेगी, बहुत ज्यादा हार्ड लाउड बेस नहीं मिलेगा, जैसे बोट रॉकर 400 की तरह वो एक सुपर एक्स्ट्रा बेस हेडफोन था। तो साउंड भी इमर्सिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 40 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पे पिक्चर पे ये दिखेगा, बट यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 4.2 मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास बोट रॉकर्स 400 एंड बहुत सारा हेडफोन है। बोट रॉकर्स 400 पे 2.1 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, उससे रहते भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोट का कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहता है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 400 mAh का बैटरी मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड ये आपको 15 hours तक कंटिन्यूस प्लेबैक देगा। उसके बाद ये बैटरी चार्ज होने पे 2.5 घंटा लगाता है। लास्ट पर यहाँ पर आपको इनबिल्ट माइक मिलता है, जो आप एक बार प्रेस करके सीरी और गूगल असिस्टेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ये हेडफोन मुझे कैसे लगी, एंड ये हेडफोन आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं। मुझे तो ये हेडफोन बहुत अच्छी लगी। अगर आप 2000 के अंदर एक ओवर द हेड हेडफोन ढूंढ रहे हो, जो कि देखने पे भी अच्छे हो एंड इसका साउंड बेस बहुत अच्छे हो, तो आप इस हेडफोन पे जा सकते हो। ये हेडफोन आपको फ्लिपकार्ट पे 1899 पे मिल रहा है, एंड इस हेडफोन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके चेक कर सकते हो। बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रेगुलरली लेके आऊंगा। एंड लास्टली कर दो जितना हो सके शेयर, देते हुए बहुत सारा प्यार। हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो।